हाय वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे। अब मेरा नाम आजाद है। मेरा नाम नदीम। तो यार जैसा कि मतलब कि बीजेपी की पार्टी की लेडी है, उन्होंने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब कि जो हमारे प्रॉफिट हैं उनके खिलाफ कुछ बात की है, यानी मुझे नहीं पता क्या बात की है, लेकिन ये है कि काफी ज्यादा देश मतलब के इंडिया पे कर रहे हैं और काफी ट्रेंड भी चल रहे हैं। अभी वीडियो वॉच करेंगे तभी हमें सारा पता लगेगा। मुझे इतना ज्यादा सही से नहीं पता, मुझे रिसेंटली बस 30 मिनट्स पहले ही पता लगी है बात। तो वीडियो आई हुई है, रिक्वेस्ट भी काफी लोगों ने की है कि वीडियो रिएक्शन दो, इसके बारे में बाद में हम बात करेंगे, पहले तो वीडियो देखते। तो कानून कहते स्टार्ट। दोस्तों अनजाने में एक ऐसी गलती हो गई है जिसका खामियाजा आज पूरा भारत उठा रहा है। बकायदा इसके लिए भारत को माफी भी मांगनी पड़ रही है। दुनिया के कई सारे देश एक एक करके भारत से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। यूं तो भारत एक सेकुलर स्टेट है। सेकुलर स्टेट मतलब वह देश जहां पर हर धर्म जाति और रंग के लोग रहते हों और सबको एक समान माना जाता है। ये हमारे संविधान की लिखी बातें हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम उन पॉलिटिशियन के बारे में बताने जा रहे हैं जो बिना कुछ सोचे समझे अपने भाषण में कुछ ऐसा बोल गई हैं जिससे भारत के इंटरनेशनल रिलेशन खराब होने की संभावना बढ़ गई है और साथ ही पूरी दुनिया से भारत को शर्मिंदगी भी उठानी पड़ रही है। और फ्रांस वाला हाल भारत का कैसे हो सकता है, इस पर हम बात करेंगे। काफी नॉलेजेबल वीडियो ये होने वाली है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना वक्त गवाए। दरअसल यहाँ पर हम बात हैं नुपुर शर्मा की, जो कि भारतीय जनता पार्टी की एक पॉलिटिकल मेंबर हैं। हाल ही में उन्होंने एक पैनल में हिस्सा लिया था जिसमें ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर हो रहे विवाद पर चर्चा हो रही थी। नुपुर शर्मा ने जब अपनी बात रखी तो उसमें उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जहां से ये पूरा विवाद शुरू हुआ। उन पर ये आरोप लगा है कि उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक कमेंट्स किए, जिसके बाद से उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही है। वहीं पर कई इस्लामिक कंट्रीज ने इस पर ऑब्जेक्शन उठाया है, जिसमें कतर, पाकिस्तान और ईरान जैसे देश शामिल हैं। कतर गवर्नमेंट द्वारा इस पर काफी ज्यादा नाराजगी जताई जा रही है। वहां की सरकार ने नुपुर शर्मा के खिलाफ एक नोटिस भी जारी किया और इंडियन गवर्नमेंट ने भी कहा। इसके अलावा वहां के मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने कतर में मौजूद भारतीय राजदूत से भी इस विषय पर सवाल किया और उन्हें तलब किया। वहीं कतर ने भारत से बयान के चलते पब्लिक अपोलोजी की भी मांग की है। उनका कहना है कि इस बयान से हमारे साथ साथ कई इस्लामिक देशों को ठेस पहुंची है। भारत जैसे एडवांस देश के पॉलिटिशियन से हमें ये उम्मीद नहीं थी। अब भारत को पब्लिक अपोलोजी करनी होगी, वरना हम भारतीय प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करेंगे और ट्रेड भी बंद कर देंगे। हालांकि बॉयकॉट करना भारतीय प्रोडक्ट्स का वहां पर स्टार्ट हो चुका है। यह सब बातचीत ट्विटर के जरिए हुई है, जिसके चलते भारतीय राजदूत ने भारत के हित में कतर की मिनिस्ट्री से कहा कि ट्विटर की कन्वर्सेशन को मान्यता न दी जाए। इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यक्ति अपने अपने विचार सामने रखते हैं और ये पूरी सरकार के विचारों को नहीं दर्शाती। बात अगर भारत के बीजेपी पार्टी के मेंबर नुपुर शर्मा की जाए तो उनको पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं पर इस बीच पाकिस्तान ने कहा कि उनकी पार्टी भाजपा के दो अधिकारियों द्वारा की गई टिप्पणी पूरी तरह से अस्वीकार्य थी, क्योंकि वे दुनिया भर के अरबों मुसलमानों की भावनाओं को आहत करते थे। वहीं भारत सरकार का कहना है कि नुपुर शर्मा जिन्होंने ये बयान दिया था वे सरकार में कोई भी ऑफिशियल पोजिशन को होल्ड नहीं करती थी, इसलिए उनके इस बयान को महत्व न दी जाए क्योंकि ये भारत सरकार के विचारों को नहीं दर्शाती। बाकी इसके लिए उन पर कार्रवाई भी हुई है और पार्टी से उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। खैर हमारे पड़ोसी पाकिस्तान की तो नीति हम सब जानते ही हैं, उसे तो बस भारत सरकार की निंदा करने के लिए बहाना चाहिए। बात करें भारत के अरब और इस्लामिक कंट्रीज के रिलेशन की, तो भारत किसी भी देश से रिश्ते खराब नहीं करना चाहता, चाहे वह इस्लामिक देश हो या नॉन इस्लामिक। इसका कारण सिर्फ ट्रेडिंग पार्टनरशिप नहीं है, भारत बस सबसे अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशन मेंटेन करना चाहता है। वहीं पर आपको बता दें कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी कुछ दिन पहले ही कतर के दौरे पर गए थे और अभी भी वो वहीं पर हैं, जहां पर उनके पीछे भारत में ये सब हो गया, जिसके चलते उनका स्वागत तो धूमधाम तरीके से हुआ मगर उसके बाद उनसे कोई भी कतर का गवर्नमेंट ऑफिशियल मिलने नहीं आया। यहां तक कि उनके साथ होने वाले डिनर को भी कैंसिल कर दिया गया। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ कतर की नाराजगी है। यहां पर दोस्तों नुपुर शर्मा का बयान जरूर निंदनीय था, लेकिन उनके द्वारा माफी मांगी गई है। वहीं भारत सरकार ने बिना देरी करे अपनी पार्टी से उन्हें निकाल भी दिया है। जिस तरह से फ्रांस में पिछले साल कार्टून वाले विवाद पर इतनी हाय तौबा मची थी और उनको घेरा गया था, सेम इसी तरह से भारत के साथ भी हो रहा है। यहां तक कि OIC संगठन, जिसका काम ही भारत के खिलाफ बोलना है, उसने इस मुद्दे पर भारत को UN में खींचने की भी कोशिश की है और UN से कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद भारत सरकार की तरफ से उनको करारा जवाब दिया गया है। भारत में छोटी मोटी घटना को लेकर टारगेट करने वाले इस्लामिक देश और OIC को ये बना बनाया मुद्दा मिल गया है और अभी भारत को और घेरा जाएगा इनकी तरफ से। हालांकि पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ हो रहे अत्याचार या चीन में रोहिंग्या मुसलमान पर ये देश चुप हो जाते हैं। इस विवाद पर जहां पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सऊदी और कतर ने भारत की आलोचना की है, तो वहीं बहरीन ने बीजेपी द्वारा उठाए गए कदम, जिसमें नुपुर शर्मा को सस्पेंड किया गया
किया है उसका स्वागत किया अच्छा। है यह मुद्दा भी आगे और बढ़ने वाला अच्छा, है, हो सकता है कि कई देशों में भारतीय प्रोडक्ट्स वगैरह को बॉयकॉट करने की बातें की जाए जैसे फ्रांस के साथ हुआ था। अब ये समय आ गया है कि भारत को भी OIC के सामने एक संगठन खड़ा करना चाहिए जो इनको एक्सपोज कर सके, जिसमें भारत, इजराइल, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसे देश शामिल हो। क्या भारत को भी OIC के खिलाफ एक ऐसे संगठन को बनाना चाहिए या नहीं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर जरूर दें। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबाएं। इनके चैनल का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, लाजमी कीजिएगा इनके चैनल को सब्सक्राइब। यार मतलब ऐसा है कि सियासत में जो सियासत होती है ना, भाई देखो सीधी सी बात है यार, डिबेटे शिबेटे ये चलती है, न्यूज वाले इन्हीं चीजों पे मजे लेते हैं। तो ऐसी चीजों में तो सबसे पहले भाई आना ही नहीं चाहिए, शो के अंदर आओ ही नहीं। अगर भाई गलती से अगर आप आ भी के बैठ भी जाते हो ना, तो कोई ऐसी वैसी बात नहीं करनी चाहिए जो मतलब बूंद से निकल जाए तो बाद में इशू क्रिएट हो। अब देखिए उनके लिए इशू तो क्रिएट हो गया, उन्होंने पता नहीं अब क्या बात किया, वो हमें भी नहीं पता ठीक है कि क्या उन्होंने बात बोली है, लेकिन हमें यही पता लग रहा है कि भाई उन्होंने मतलब के प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ मतलब के ऐसे कमेंट किए जो मतलब के ना मंजूर नहीं करने वाले थे, ठीक है अब उन्होंने कर दिए तो अब, लेकिन ये है कि पूरी दुनिया से अब हेट मिल रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, अब इस्लामी मुल्क हैं जितने हैं ना वो नाराजगी का आधार। बिल्कुल अब देखें प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं ठीक है, हमने कभी यार क्यों मैं भी बोला हमने कभी इनको देखा नहीं है कुछ मुस्लिम्स के खिलाफ ऐसी ऐसी बात करते हुए, रिस्पेक्ट करते हैं ठीक है। अब उसने हरकत ये की, खमियाजा किसको भुगतना पड़ा, मोदी जी को, बीजेपी को, बिल्कुल बीजेपी को हाँ उसको पड़ा, लेकिन मोदी जी लीडर हैं तो उनको सबसे ज्यादा ये चीज फेस करनी पड़ रही है। बिल्कुल हर जगह उनके पोस्टर लग रहे हैं, मसला है ना तकरीबन हमारे 1.5 साल तो वीडियो बनाने के हो गए तकरीबन। मैंने देखा है कि कोई ऐसी पार्टी इंडिया में नहीं है, बीजेपी पार्टी है, उन्होंने कभी मुसलमानों के ऐसे एहतराम किया है। बिल्कुल ये कांग्रेस में भी ऐसा नहीं हुआ ना, किसी इंडिया के किसी पार्टी ने ऐसा काम नहीं किया। बिल्कुल क्यों बंदा बोलेगा यार ऐसा हुआ है, लेकिन वही बात है धर्मों का ख्याल किया जाता है यार, आजादी से लोग अपने धर्मों की उधर रिस्पेक्ट करते हैं और सब कुछ होता है, बस वो एक दुका ऐसा चीज निकल आती है यार हर जगह होती है, ये नहीं कि सिर्फ इंडिया के अंदर हुई है, इधर पाकिस्तान में भी ये चीज काफी दफा हुई है, वो देखो ना सियालकोट का वाक्य हुआ था। लेकिन ये कि भाई जिस तरह अब इनको सस्पेंड कर दिया गया, इधर भी उनको सजा मिली थी, उनको भाई जो जिन्होंने इधर ये हरकत की थी ना श्रीलंका वाले के साथ उसको तो फांसी उनको सबको दे दी है। अब ये पता नहीं इनका क्या नाम है, शर्मा नाम मतलब जो भी है ठीक है, इन्होंने वो आई थिंक डिबेट हो रही थी न्यूज चैनल पे तो उसके दौरान इन्होंने बोल दिया, कह दिया उन्हें मोदी जी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया, मैं 6 साल की पार्टी से निकाल भी और अब कार्रवाई भी चल रही है, अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन यार मोदी जी जो हुकूमत है ना, मोदी जी खुद रेस्पेक्ट करते हैं मुसलमानों की, काफी करते हैं बाबा, लेकर साथ चलते हैं, उधर ऐसा निजाम है बिल्कुल, रेस्पेक्ट करते हैं तब भी उनकी इज्जत है, मुसलमान भी रेस्पेक्ट उनकी करते हैं, हर चीज का ख्याल किया। बिल्कुल जाहिर बात है, और अब देखे जिस तरह मुस्लिम देश भी काफी नाराज हुए हैं ठीक है, उन्होंने बात तो डिबेट एक नहीं की है, गलती एक नहीं की है, जैसे देखो सारा सारी पूरी पार्टी को भाई इसमें मतलब किसाना पड़े थे। अब देखो बाहर अभी उनके पास कोई योद्धा भी नहीं था, नहीं था कोई ऐसा नहीं थी, नहीं ना कोई ऐसी नहीं थी, बड़ी जिम्मेदारी से बयान दिए जाते हैं ना, जो सीट पे बंदा बैठा हो तो बड़े वो क्या बोलते हैं कि जिम्मेदारी होती है, और इंडिया का हर एक पर्सन जो अपनी सीट पे बैठा था बड़ी जिम्मेदारी से। बिल्कुल, लेकिन एक वही बात अब हुआ, लेकिन ये है कि अरब देश हैं जो सारे 57-60 देश हैं वो बायकॉट इंडिया का, मुझे रिसेंटली ये सब कुछ पता लगा कि इतने वजीर हैं वे, देखो उन्होंने कभी भी ऐसी बयान कभी भी नहीं दिया, जितने वजीर मैच्योर इंसान है सारे सारे भाई, और ऐसी बात है अब ये हुई है भाई अरब के देशों में, अब जारी बात आलोचना भी इस चीज की काफी चल रही है, और किसी के दीन में ऐसी ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए कि किसी के ठेस पहुंचे, बिल्कुल कोई मजहब का कोई भी मजहब का हो भाई साहब, जिस तरह देखें अब हमने यहाँ पे जब हुआ था तो हमने भी कंडेम किया था कि वो श्रीलंकन हिंदू के साथ हमने बहुत ज्यादा बुरा किया, हमने जानवरों ने बहुत ज्यादा बुरा किया, और फिर हमने उसके खिलाफ यहाँ का लोग उठ खड़ा हुआ कि भाई यहाँ उसको सजा उनको मिलनी चाहिए, आज उनको फांसी मिल गई है, लेकिन अब देखते हैं कि भाई उन्होंने जो चीज बोली उसके मुताबिक उनको क्या सजा मिलती है। हम तो सारे धर्मों की रिस्पेक्ट करते हैं, चलो हमारा दीन इस्लाम है, हम अपने दीन पे इस्लाम की रिस्पेक्ट करते हैं, और दूसरे लोगों को जो है हमारे हिंदू भाई या और रिलीजन जिनका ताला है हम उनकी भी दिल की गहराइयों से रिस्पेक्ट करते हैं। बिल्कुल आज और हम लोग भी नहीं चाहते कि हमारी बातों की वजह से किसी रिलीजन को ठेस पहुंचे, क्योंकि यार जाहिर सी बात है मतलब कि अगर अगले को ठेस पहुंचेगी वो हमें ठेस पहुंचेगी। बिल्कुल आज दुनिया में इंडिया वाइज मुल्क है जिसमें सारे धर्मों का ख्याल किया जाता है, उन्होंने रिस्पेक्ट दिया, बस बाबा वो एक केस ऐसा निकल आता है ना, और फिर
वो आग लग जाती है, आग लग जाती है। बस अब देखते हैं आगे क्या होता है, मोदी जी जो फैसला करेंगे अच्छा करेंगे, देख दाग के करेंगे, अब देखते हैं क्या करते हैं। बिल्कुल जबरदस्त फैसला, बिल्कुल जाहिर सी बात है, वो सारा इसको नजर में रखेंगे कि हुआ क्या, उन्होंने बोला क्या है, उनको सस्पेंड तो कर दिया, अब देखेंगे कार्रवाई क्या बनती है, ये वो हर चीज देखेंगे, फिर उस हिसाब से आगे स्टेप लेंगे। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो यार इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट मिनट, तब तक के लिए बाय।